आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बालपन नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती। अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, और वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवादि देव महादेव को समर्पित किए, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित करो। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का देवादि देव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक। शिव तत्व की प्राप्ति, यही एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा, एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है, वो लकवे से भी बेकार बीमारी है जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हाथ पर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं और भारत में भी, विदेश में भी नहीं और भारत में भी, उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा, डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल फिर मालिश करो। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरलिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरलिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को, या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पांव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीओर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है, और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम